हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा प्रयागराज से, और आज हम लोग संविधान की अगली क्लास करेंगे। कल मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं नागरिकता बताया था, आज उसके आगे का भाग तीन और मूल अधिकार पढ़ेंगे। तो मैं अब आज से थोड़ा छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बड़े लेक्चर कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि शुरुआत हुई है तो लोग मतलब बोरिंग समझते हैं कि अभी यार बोरिंग। पर हमारे हिसाब से लेक्चर अच्छे हैं, लोगों को अभी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मतलब, क्योंकि यूट्यूब भंडार है ज्ञान का, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आज छोटे छोटे ही लेक्चर छोटा सा ही बनाऊंगी। इसका आधा पार्ट मैं कल समझाऊंगी, आज मैं आधा नहीं समझाऊंगी, आधा ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे मैं महसूस की हूँ कि लोग आधा ही लेक्चर देखना पसंद कर रहे हैं, आधा भी नहीं देखते हैं सही से। तो मैं इतनी मेहनत करके बनाती हूँ, लोग पूरा सुनते ही नहीं है, तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि सफलता के लिए संघर्ष बहुत जरूरी होता है, और मुझे ये बात पता है बहुत अच्छे से कि मैं संघर्ष कर रही हूँ। अगर मेरा लेक्चर एक भी व्यक्ति कोई देख रहा है और उससे फायदा हो रहा है, तो मैं लेक्चर बनाती रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ रही हूँ और खुद पढ़कर एक घंटे दो घंटे में वीडियो में 30 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मुझे 1 से 2 घंटे अलग से पढ़ना पड़ता है, ताकि बोलने में कोई दिक्कत ना हो, आप लोग अगर कोई कमेंट करें तो उसे मैं समझा सकूं। अभी मैं लाइव तो नहीं आ पा रही हूं, क्योंकि मुझे 20 मिनट का ही लाइव आने का मौका दिया गया था, इसलिए मैं अभी लाइव नहीं आ पा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार जो भाग तीन में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग इसको मूल अधिकार, इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूल अधिकार, इसमें हर एक व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, इसलिए इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, चलिए इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर ही लेते हैं। सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने लिखित रूप से नागरिकों के कुछ अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की, जिसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है। अधिकारों के इस प्रथम लिखित दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग तीन के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित मूल अधिकार को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब इसमें हम आप लोगों को मोटा मोटा ही पढ़ाएंगे, इसमें बहुत मतलब ये बहुत लंबा चैप्टर है, क्योंकि और बहुत समझने का काम है, बहुत समझाने का भी काम है, क्योंकि आप लोग जब लंबे लेक्चर पसंद ही नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे समझाऊं। मैं यही सोच रही थी कल से कि अपनी बात को कितनी आसानी से आप लोगों तक मैं समझा सकूं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो बताइए हम कैसे मतलब सारी बातें बताएंगे, क्योंकि ये क्लास लंबी है। मतलब क्लास लंबी का मतलब इसमें लेक्चर अच्छे खासे चाहिए होता है, सिर्फ मूल अधिकार पढ़ाने के लिए लोग बैठेंगे तो 3-3 लेक्चर जाते हैं, लगभग 3-3 की मैं बात करी, 1-2 लेक्चर की बात नहीं करती, 3 लेक्चर कम से कम। अच्छे से मूल अधिकार पढ़ना है तो 3 लेक्चर जाते हैं। फिर भी चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें अनुच्छेद क्या कहते हैं 12 से 35 तक है, तो मैं आपको अनुच्छेद 12 से 35 तक सब कुछ बताती चलूंगी, ताकि आप लोग ये ना सोचें कि एक भी अनुच्छेद छोड़ दिया। तो पहले मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ, जैसे इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मत कह दीजिएगा शोषण अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29-30 सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि अनुच्छेद 32 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 32 नहीं, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। तो हम लोग यहाँ पर राज्य अनुच्छेद पहला देखते हैं, अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा भाग तीन के प्रयोजन के लिए राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होंगे, कुछ बातें हैं जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है, और आप लोग इसे समझ कर इसे अपने दिमाग में घुसाने का प्रयास भी करें। जैसे भारत सरकार और भारत की संसद, इसमें संघ की कार्यपालिका तथा संघीय विधायिका शामिल है। पहला, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, इसके अंतर्गत राज्यों की कार्यपालिका व विधान पालिका शामिल है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 12 में ये प्रावधान है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत, जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाएं तथा अन्य निगम या बोर्ड या प्राधिकरण शामिल है।
नंबर चौथा इसमें यह कह रहा है कि अन्य प्राधिकारी इसके अंतर्गत भी सभी व्यक्ति या संस्था शामिल है जो संविधान या किसी नियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं अनुच्छेद 13, इसमें क्या दिया है, तो इसमें विधि शब्द, जो विधि है, विधि शब्द में मतलब संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द को वर्णित किया गया है, बस आप इतने याद कर सकते हैं, या विधि विधि को परिभाषित किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं विधि या समता का अधिकार कह सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। अब विधि के समक्ष समता का अधिकार काफी लंबा है, पर मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग जब वीडियो ही देखना नहीं पसंद करें तो मैं वो कहानी या उसे समझा कर कैसे बताऊं। चलिए मैं अनुच्छेद 15 बताती हूँ। धर्म मूल वंश जात लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। इसमें अनुच्छेद 15 के कई पार्ट हैं जो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ समझा देती हूँ। इसमें अनुच्छेद 15(1), 15(2) समानता के अधिकार के उदाहरण, जबकि अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5) इसके अपवाद हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15(4) में जो बताना चाह रही थी, तो आप लोग कहें तो मैं बता दूं यहाँ पर, लेकिन क्या कहेंगे, आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं है, जैसे लग रहा है कोई दिक्कत है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध है इसमें, अनुच्छेद 15(3) में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 15(4) में क्या है, तो इसमें बिछड़े जो पिछड़े वर्ग या बिछड़े रहते हैं ना, जैसे ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध है अनुच्छेद 15(4) में, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, तो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में है। तो अब लोक नियोजन से इसमें कई मतलब नियोजन क्या होता है, तो लोक नियोजन में आरक्षण जैसे समता के नियम का महत्वपूर्ण अपवाद है। पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, मतलब इस तरह के आरक्षण जो देते हैं वो लोक नियोजन के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में आरक्षण, जैसे वर्तमान में पिछड़े सामाजिक पिछड़ेपन पर बल देने के लिए अनुच्छेद 16(4) में दिया गया 103वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग किसे कहेंगे, आप जान ही रहे होंगे पिछड़ा वर्ग किसे कहेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको परिभाषित करूंगी। अब आते हैं अनुच्छेद 16 हो गया। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत, जैसे पहले लोग कुएं में पानी भरने के लिए, जैसे SC ST लोग रहते थे उनको चढ़ने नहीं दिया जाता था, पर जब से अनुच्छेद 17 आया तब से लोगों में ये भेदभाव थोड़ा सा कम हुआ, अभी भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि ये अपवाद नहीं है, अभी भी होता है। गाँव में आप जाइए, आज भी अगर कोई SC ST ठाकुर पंडित के घर जाता है तो वहां पर भेदभाव आज भी होता है। वो लोग चारपाई पे बैठे रहते हैं और इन लोगों को नीचे बैठाते हैं कि मतलब उन्हें मतलब ये महसूस कराते हैं कि आप SC हैं, आप हमसे नीचे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य वो भी हैं, हमें मानवता दिखानी चाहिए। हम अपने लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो दूसरों के लिए क्या खड़े हो पाएंगे। हमारे घर पे भी पहले होता था, होता रहा होगा, लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब से पढ़े ये बातें जाने, ये अधिकार जाने, अब हम लोग उन लोगों को घर के अंदर भी बुलाते हैं, बैठाते हैं, अच्छे से चाय नाश्ता कराते हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि लोग चाय नाश्ता कराएं या कुछ भी कराएं। तो अब आते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। जैसे हमें भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सब जैसे सम्मान किए जाते थे, या सम्मानित किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता था, तो उनके नाम जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब मतलब, तो इनका जैसे सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला, तो वो अपने नाम के आगे ये नहीं लिख सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। तो इसलिए ये उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ये अलंकरण अनुच्छेद 18 के अधीन उल्लेखित है, मतलब उपाधियों में शामिल नहीं है। आइए हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं। इसमें अनुच्छेद 19-22 तक दिया गया है, तो पहले हम पढ़ते हैं वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का आरक्षण, जो अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है, ठीक है। अब 19(1) में कौन कौन से हैं, तो पहले देख लेते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक व निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये 19 खा है, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का था। 19(1) का गा में क्या है, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। पहले हम लोग बातचीत करते हैं, फिर शांतिपूर्वक सम्मेलन करेंगे, ऐसे याद करेंगे तो सरल लगेगा। फिर हम लोग जब शांतिपूर्वक सम्मेलन, तो संघ बनेगा ना, जैसे अब हम संघ बनाए, समिति बनने लगेगी। फिर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र
बिना रोक टोक जाने की स्वतंत्रता हो जाएगी कि भाई हम लोग जब कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमें रोक टोक की कोई आवश्यकता लोग नहीं करेंगे कि आवश्यकता है, चलें कहेंगे चलो अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता होगी। जैसे अब हम मध्य प्रदेश में जाएं, अब वहां हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वहां के लोग ये कहेंगे कि आप यहां रह कर ये काम कर सकते हैं, तो हमें वहां मतलब स्वतंत्रता हो गई कि रहने की स्वतंत्र। फिर संपत्ति की, इसमें जो 4 नंबर है इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता थी जो अब नहीं रही, पहले ये थी, तो अब ये 44वें 24 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। फिर इसमें आता है कोई उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने की, भाई हम कहीं अब बस गए जैसे अच्छा काम करते करते बस गए, तब वहां के लोग अब कह रहे हैं भाई तुम व्यापार भी तो करोगे ना, तो अपने लिए व्यापार भी करिए। इसमें आप महत्वपूर्ण देखते रहिए, ये सिर्फ पीडीएफ आप लोगों की इसलिए दी जाती है, ये देखिए मैं इसको अभी बताऊंगी क्यों दी जाती है, ताकि आप लोग ये ना कहें कि, क्योंकि मैं पढ़ाती अपने नोट से हूँ, ठीक है। फिर इसी में आता है सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक 2005 से कानूनी रूप से दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है पर इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान नहीं है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है, उच्चतम न्यायालय माना है, और अभी तक कहीं इसमें संविधान में नहीं लिखित हुआ है कि ये मौलिक अधिकार होगा, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता हो गई है, अब इसे मतलब वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी प्रकार की होती है ये मतलब आप लोग कमेंट किया करिए कि डिटेल में अगर जानना है सब कुछ तो हम डिटेल दें, नहीं तो ऐसे ही करके मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। तो अब आता है अनुच्छेद 20 आता है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अब अपराध कैसे कैसे हो सकते हैं तो आइए बताते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को अपराध या अपराधों के लिए दोष सिद्ध ठहराने जाने के संबंध 3 प्रकार के संरक्षण प्रदान करता है। तो जैसे पहला अनुच्छेद 20(1) में ये कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टोला मतलब कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। फिर दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, अनुच्छेद 20(2) कहता है। जैसे मैंने कोई आज मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और फिर से मुझे आज ही मैंने किसी दूसरे का एक्सीडेंट कर दिया तो मुझे यहाँ दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, मुझे एक ही एक्सीडेंट का दंड दिया जा सकता है, ये कहने का ये संरक्षण अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण 20(3) अनुच्छेद 20(3) ये कहता है संरक्षण हमें स्वयं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया है कि हम साक्षी होने का स्वयं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाता है, ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आते हैं। आइए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत देखते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अक्सर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 14 से 15, 16, 20 ये बहुत कम लोग पूछते हैं, मतलब एग्जामों में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जी अब हम अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बता देते हैं, व्याख्या कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तथा पशुगत मतलब हमारा पूरा शरीर जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। ये मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद के द्वारा आया रहा बाहर निकल के, क्योंकि पहले तो लोग जान ही नहीं रहे थे कि अनुच्छेद 21 में क्या क्या है। अब देखते हैं मानवीय गरिमा और सभ्यता के साथ जीवन यापन करने के लिए मनुष्य का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये मानवता, फिर तो हम जानवर ही रहेंगे ना। लोग पूरे मतलब मनुष्य को एक ऐसा प्राणी बनाया गया है कि मतलब सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, बोलने सबसे बड़ी जो बात है बोलने की क्षमता है कि हम एक दूसरे की भाषा मतलब समझ रहे हैं। अब जानवर तो है नहीं, जानवर भी समझते हैं अपनी बोली भाषा, लेकिन हम तो उनकी भाषा नहीं समझ रहे हैं ना, लेकिन वो मेरी भाषा समझते हैं। कभी किसी को बचपन से किसी नाम से, किसी कुत्ते को आप लोग नाम देते हैं कि मतलब जैसे ट्विटर है मेरे यहाँ, मतलब मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ट्विटर नाम का एक कुत्ता है, तो उसे अगर ट्विटर कह दो तो वो इतनी तेजी से आपकी तरफ आएगा, चाहे जहाँ बैठा हो ट्विटर करके बुला दो तो इतनी तेजी से आएगा। तो मतलब वो हमारी भाषा समझ रहे हैं, लेकिन जब वो भौंकते हैं तो हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाहे, उनको दर्द है या वो प्यार करना चाह रहे हैं या वो भूख लगी है, कुछ भी तो नहीं समझ पाते हैं। फिर इसमें आगे है ये है कि माननीय गरिमा अत्यंत आता 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो
उन्नी अब ये कहाँ से निकल के आया था कि ये शिक्षा का अधिकार होगा कि मौलिक अधिकार मूल अधिकार या मौलिक अधिकार होगा, तो ये आया था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद से। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद कब आया रहा। ठीक है, फिर है कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उन्हें मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार से वंचित करता है, अतः अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मतलब उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, जैसे कुछ मजदूर लोगों तो उन्हें समय पर कुछ लोग ना तो उनका वेतन देते हैं ना तो उनकी मजदूरी देते हैं। मजदूरी आज 700 रुपए तो उन्हें 400 रुपए में निपटा देते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, जैसे भोजन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अतः असमर्थ व्यक्तियों को भोजन पाने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, ये नहीं कि कोई जीवित रहे मतलब बिना भूख के ही ऐसा रहे, इसलिए उसे अधिकार है। फिर अनुच्छेद 21 का आता है, अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो मैंने बताया जैसे उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का बाहर, आप लोग ऑप्शन मतलब उत्तर करिए, नहीं तो मैं यहाँ बता देती हूँ, 1993 में आया था। फिर इसमें 86वीं संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यही वाला अधिकार है। फिर आते हैं अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। भाई गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण तो इसके कई मतलब उल्लेख है कैसे कैसे किया गया है, अभी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न भी कराऊंगी, आप लोग परेशान मत होइएगा। सारा कुछ यहाँ मेंशन है, देखो मोटा मोटा, ये नहीं है कि नहीं है, यहाँ पर मेंशन मैं करके लाई हूँ, ये पीडीएफ आप लोगों को जल्द जल्द दी जाएगी। तो आज मैं अनुच्छेद देखती हूँ, 22 हो गया। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अब 23 अनुच्छेद 23 में क्या दिया है, तो मानव के दुष्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिशोध या प्रतिषेध करने का अधिकार है इसमें। भाई हमें अधिकार है कि हमारे साथ गलत ना हो, तो ये मानव के दुष्व्यापार जो होता है ना, व्यवहार करते हैं, मतलब अगर तुम बस में चढ़े, कोई लड़की बस में चढ़ी और बगल वाला देख रहा है कि वो अकेली है, तो क्या करेंगे, बगल से हाथ डाल के छूने का प्रयास करते हैं। मतलब इतने घटिया घटिया लोग होते हैं। मैं ऐसा उदाहरण क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा मतलब होने का प्रयास हुआ है, लेकिन मैं इस चीज को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करती हूँ। ठीक है, मैंने तुरंत हाथ पकड़ा और मैं बस खड़ी करवा कर मैंने वहीं पर उसको सबक सिखाया था। मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, मैं काफी छोटी थी, मैं तब शुरू में बस इलाहाबाद आ ही रही थी, तो गांव की लड़की दिहाती एकदम, जब जो चीजें नहीं पसंद तो मतलब नहीं पसंद, और ये पसंद ना पसंद की बात नहीं, ये समाज की बात थी कि कोई तुम्हारे साथ गलत करे इसमें ठोस कदम उठाओ, बस सीधी सी बात थी। तो ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दिया। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये दे कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, जैसे 14 वर्ष से उत्तम आयु के बालक को कारखाने आदि या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजन नहीं किया जा सकता। पर लोग आजकल तो हम देखते हैं 7-7, 8-8 साल के बच्चे को होटल में रखते हैं, पानी देते हैं, बेंच लगाते हैं। मैं अपनी आंखों में जहां भी ऐसे कार्य देखती हूँ, मैं पहले ही वहां जाकर रोकती हूँ कि भाई पढ़ो, पैसा नहीं है तो बताओ, किसी और से बताओ, लेकिन ये कार्य नहीं करो। अगर पढ़ाई करना चाह रहे हो, तुम्हारे माँ बाप थोड़ा सा सक्षम है पढ़ाने के लिए, अगर वो कर सकते हैं काम तो तुम्हें पढ़ाएं, क्योंकि तुम आने वाले भविष्य के मतलब उज्जवल भविष्य बना सकते हो, और ये जो भारत देश है इसके निर्माता भी हो सकते हो। पता नहीं आगे चल के सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अम्बेडकर या आगे चल के योगी जी, मोदी जी, कुछ भी बन सकते हैं आप। इसलिए मैं हमेशा इस बात के लिए, तो जैसे बालकों से संबंधित मौलिक अधिकार कौन कौन से, तो अनुच्छेद 15 का 3 बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की राज्य की शक्ति है। अनुच्छेद 21 का में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के किसी खतरनाक कार्य में नियोजन का प्रतिषेध। ये कभी कभी पूछ लेता है पेपर में कि बालकों से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, तो ये आप 3 अनुच्छेद बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये 25 से 28 में दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28। तो 25 में क्या दिया गया, अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, जैसे हम हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं या कोई और मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं, मान लेते हैं हम मुस्लिम हैं, तो हम अपने धर्म की स्वतंत्रता, हमें धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है कि हम किसी से कह सकते हैं कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, इसमें मतलब हिंदू से अच्छा है, ये सब कहने की स्वतंत्रता है। अब ये नहीं कि मैं माइक लेके चिल्लाने लगूं या कुछ भी कहने लगूं, ऐसा नहीं है।
तो धार्मिक और अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन प्रबंधन जानते हैं ना, प्रबंधन की स्वतंत्रता है। जैसे हम कालिक धार्मिक, मैं इसको समझाती हूँ, धार्मिक व पूर्ति परियोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और उनका शोषण करने का अधिकार होगा, अपने धर्म विषय कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार होगा, अर्जित संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। इस तरह के संबंध यह प्रबंध अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आती है। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, अगर हम जैसे कोई शिक्षक शिक्षा संस्थान है, जैसे शिक्षा संस्थाओं में जैसे हम किसी कॉलेज में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, तो अगर वहां शिक्षा देने को जैसे अनुच्छेद 28(3) के अनुसार राज्य मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली विधि किसी शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को उस संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए उसकी सहमत के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता। हमारा मन नहीं है कि हम प्रार्थना करें तो हम नहीं कर सकते हैं, हमारा मन नहीं है कि हम उसमें भाग लें तो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसे मतलब बाध्य नहीं है कि तुम जाके करो, लेकिन अगर शिक्षा दी जा रही है तो तुम ले सकती हो, ठीक है। अगर सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29 और 30 है तो मैं यहीं से लास्ट करूंगी, बाकी जो बचेंगे वो मैं कल बताऊंगी। तो अनुच्छेद 29 जैसे कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 कहता है तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जैसे क्या हो सकता है, तो देखते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि नागरिकों के समूह सामूहिक अधिकार की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 29 दो नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान और अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे मूल वंश धर्म जाति भाषा या इनसे किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा, अनुच्छेद 30 कहता है। तो यहाँ पर अधिकार हो भाई, अब हमारे हम जैसे ईसाई हैं, इनके कॉलेज बहुत कम दिखते हैं, तो उनके लिए ये अधिकार है कि उनके लिए मतलब अल्पसंख्यक को अधिकार दिया जाएगा, सीधी सी बात है। आइए देखते हैं, बता ही देते हैं आप लोगों को। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत वही संपत्ति के अर्जन और कुछ विधियों की, संपत्ति का अर्जन आता है, कुछ विधियों की उसमें व्यवृत्ति भी होती है कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो अब नहीं रहा, यहाँ पर ये मूल अधिकार न होकर अब ये विधि का अधिकार बन गया, ये अनुच्छेद 31 से हटकर अब 300 का के अनुच्छेद में रखा गया है। तो अब ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में इसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 क्या कहता है, अनुच्छेद 31 का क्या कहता है, ये कहता है अनुच्छेद 31 का तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अर्जन का बंद करने वाली विधियों के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे किसी संपदा का राज्य द्वारा अर्जन या संपत्ति में किसी अधिकार को परिवर्तित या समाप्त करना होता है, तो संपदाओं से जो संपदा होती है हम लोगों की, संपदाओं के अर्जन का उपबंध करने वाली विधियों का उल्लेख अनुच्छेद 31 का में किया जाता है। अब आते हैं अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भाई, इसको तो केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत भी रखा गया है 1973 में अनुच्छेद। अब आते हैं अनुच्छेद 32 तो संवैधानिक अधिकारों का उपचार है, इसमें इस भाग को इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब इसमें उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान के न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 5 विशेषाधिकार रिटों का उल्लेख है, इन रिटों के मूल नाम जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो ये 5 अधिकार हैं। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम जैसे परिभाषित करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कहाँ गया अनुच्छेद 32, आप लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ है कि शरीर को पाना है, इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। यह व्यवस्था नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और इसके जो अंतर्गत आते हैं कि मतलब जेल के अंदर जो पहुंचे उच्चतम न्यायालय के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी नहीं किया जा सकता जब किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार या न्यायालय के हस्तक्षेप में बंदी बनाया गया हो, ठीक है। अब आता है परमादेश,
तो यहाँ परमादेश एक उच्च आदेश है जिसके माध्यम से लोक प्राधिकारियों को अपने वैध कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। फिर आता है अधिकार परीक्षा। लोकपद अथवा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के अधिकार व शक्तियों का परीक्षण अधिकार परीक्षा के रिट के माध्यम से होता है। इस रिट द्वारा न्यायालय सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहे किसी लोक प्राधिकारी से यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रतिषेध। इसके बाद आएगा प्रतिषेध। तो प्रतिषेध एक न्यायिक रिट है। ये एक मतलब इसमें हम आपको कैसे समझाएं, या देश के किसी विधि या उल्लंघन कर रहा हो तो न्यायिक कार्यवाही रोकने के लिए प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण, तो उत्प्रेषण कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय न्यायाधिकरण न्यायिक कार्यवाही के पश्चात अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर या देश की विधि या नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन में कोई निर्णय दे देता है तो इसके उसे स्थगित कर दिया जाता है करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। ये पांच प्रकार की रिट है और अभी तो काफी कुछ इसमें मूल अधिकार में है। अनुच्छेद 34 में जैसे बताया जाता है सेना विधि है, तो अनुच्छेद 33 में भी आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 35 में जैसे मूल अधिकारों के विषय में संसद की विधि बनाने की शक्ति है अनुच्छेद 35 में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही, तो अनुच्छेद 33 में कह रही थी, तो अनुच्छेद 33 और 34 मैंने जैसे बताया कि इसमें सशस्त्र बल और मूल अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 33 और 34 में मूल अधिकार, मूल इनको अपवाद माना जाता है, इसलिए इसे मतलब बहुत कम पढ़ाया जाता है कि ये मूल अधिकार अपवाद माने जाते हैं। तो आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा, हो सके तो इसे सुन लीजिएगा। जैसे ये है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है, प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अभी मैं इसे बताऊंगी आगे चल के। ये देखिए संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 का में ये यहाँ से हटा दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पांच रिट है जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ। आप सबको थैंक यू सो मच। आप लोग इस लेक्चर को देखिएगा अच्छे से और इस लेक्चर से आपको काफी लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच।